हमीरपुर में तीन डोगरा का 119वां राइजिंग डे धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बटालियन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और राइजिंग डे के मौके पर पुराने दिनों को याद किया। इस अवसर पर कैप्टन धर्म सिंह, प्रदीप सिंह, कैप्टन राम कुमार डोगरा, राजेश कुमार के अलावा जिला भर से आए हुए तीन डोगरा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कैप्टन धर्म सिंह ने कहा कि 119वां राइजिंग डे मनाया जा रहा है और 12 अक्टूबर 1900 को बटालियन बनी थी और इस बटालियन ने देश की सेवा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि देश के लिए लड़ी गई लड़ाइयों में बटालियन के सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने वर्तमान में पाकिस्तान के साथ भारत की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि पहले से ही पाकिस्तान आक्रामक रवैया अपनाता आया है, लेकिन आज भी बॉर्डर पर स्थिति सुखद नहीं है, जो कि चिंता का विषय है। इस अवसर पर बटालियन के पूर्व सैनिकों ने डीजे की धुनों पर थिरक कर भी अपने पुराने दिनों को याद किया। राइजिंग डे के अवसर पर पूर्व सैनिकों ने एक दूसरे के साथ वार्ता करके आगामी रणनीति भी तैयार की। हम आज माइटी थर्ड का 119वां रेजिंग डे मना रहे हैं। ये बटालियन 12 अक्टूबर 1900 को खड़ी हुई थी। मैंने इस बटालियन में 28 साल नौकरी की एज ए सूबेदार ऑनरेडी कैप्टन। मैं 1983 1 दिसंबर को रिटायर हुआ। इस बटालियन ने फर्स्ट बार मेसोपोटामिया, जिसमें लांस नायक लाला, जो के बाद में नायक सुधार जमींदार बोलते थे उस वक्त, वो उनको विक्टोरिया क्रॉस मिला। इसके अलावा हमारी बटालियन ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में और इसके अलावा 1962 की लड़ाई में और 1965 और 1971 जिसमें मैंने हिस्सा लिया और फतेह भाई दुश्मन के ऊपर काफी इलाका हमारी बटालियन में ले लिया, लेकिन 65 की लड़ाई का जो हमने जगह ली थी वो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशगंज जाकर उन्होंने इस चीज का समझौता कर लिया कि जो हमने आपसे जगह ली है पाकिस्तान से वो आपको वापस कर देंगे, जो आपने पाकिस्तानियों हमारी जगह ली वो हमें वापस कर देंगे, यही फैसला हुआ था। और बटालियन हम यहां एक्स सर्विसमैन कोई 40 आदमी करीब, इसी तरह पालमपुर में भी 40-45 आदमी ने टेलीफोन पर बताया कि हम भी रेजिंग डे यहां पर मना रहे हैं और वहां पर हमारी माइटी थर्ड वाले लोग जो हैं वो भी वहां पर रेजिंग डे मना रहे हैं। कभी भी सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि जब दो भाई जो होते हैं वो जुदा होने से पहले लड़ जाते हैं आपस में, उनका कभी सुलह नहीं होता, कभी वो रजामंद नहीं होते। पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए एक, जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है आदमी का नहीं जाता, उसी तरीके से वो हमारे साथ लगा हुआ है। जिस आदमी को ताकत नहीं होती है वो ये उग्रवादी उन्होंने पैदा करके एक दो आदमी भेजकर हमारा ज्यादा खर्च करवा कर दो आदमी मारते हैं, दो तीन बटालियन इकट्ठी हो जाती है, चारों तरफ से घेरा डालते हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि अभी वो भी एटम शक्ति है, अगर एटम शक्ति ना होती तो हम हमला भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान पहले से आक्रामक है, हम पाकिस्तान के फ्रंट पर विक्टिम रहे हैं और वो पहले फायर करते थे, हमें फायर करने का ऑर्डर नहीं था, हमें पीछे से और बड़े अफसरों से पूछना पड़ता था तब हम फायर कर सकते थे, लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने खुला कर दिया कि आप जब भी फायर आपके ऊपर होता है आप करो।